रीना जी स्टार्ट करिए, अपने आप को अनम्यूट करके यस करिए। मैम, यस मैम, यस मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रीना तिवारी, मैं आज मोदी कैब के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ। मैं एक फ्रेंड के यहाँ गई थी, उससे मुझे मालूम चला कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसा है और कितना अच्छा है। तो मैं पहले विश्वास नहीं मुझे हुआ था, मैंने चलो इसको यूज करके देखते हैं। जब मैं इसको यूज की तो मुझे काफी बेहतर लगा, तो मैं सोची कि चलो वो बता रही है तो उसके अनुसार मैं करती हूँ। पहले तो मैं यूजर ही बनी, बाद में मैं इसको मुझे प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, मैं 100% इसका यूज करने लगी और फिर मैं इसको बिजनेस के रूप में करने लगी। और मैं इसमें इतना मुझे इतना अच्छा इसका लगा, इसका जो सेशन है, समझाने का है, ट्रेनिंग है, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे साथ में मुझे ये भी मालूम चला कि इस बिजनेस के थ्रू मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। मैं एक ऐसी चीज की तलाश में थी जो मैं घर पर रह के मैं कुछ करना चाहती थी अपने लिए, जीत और अपने सपनों के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मुझे घर परिवार के को देखते हुए ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा था ताकि मैं वहां अपने आप को मैं डेवलप कर सकूं और कुछ कर सकूं। तो मुझे मालूम चला कि एक ऐसा है प्लेटफॉर्म जहां मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ और उसको मैं जी सकती हूँ। तो मैं इसको पूरी अच्छी तरह से समझ गई, इसको मैं फिर मैं इसको बिजनेस के रूप में करने लगी। मैं जैसे ही इसको बिजनेस के रूप में लेके आई और करने लगी तो मुझे मुझे सक्सेस मिलती गई। कठिनाई आए लेकिन मुझे सक्सेस मिलती गई और मैं 4 महीना में ही डायरेक्टर बन गई। उसमें जब मैं डायरेक्टर बनी तो मुझे ऐसा खुशी महसूस हुआ कि ये मैं जूस की तलाश में मैं बरसों से भटक रही थी, आज मैं मुझे वो चीज मिल गया। तो मैं इसको अब तो मैं जुनून ये मेरा हो गया है कि मुझे अपने सपनों को तो पूरा करना ही है और इसको इस बार को तो और दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता है। प्लस ये मुझे क्या क्या दे दी है, मुझे हर प्रोडक्ट पर 10 से 20% का डिस्काउंट दिया है, रिपर्चेज का ऑफर मिलता है इसमें, और एक लॉयल्टी, सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लॉयल्टी का इनकम मिलता है, ये जो मुझे बाजार में नहीं मिलता है वो सब मुझे यहाँ मिला। तो मैं जब समझ में आया कि मैं इतने दिनों से सिर्फ मैं दूसरे को पैसा दे रही थी, मुझे तो वहां से कुछ नहीं आ रहा था, अब मैं इसमें जुड़ी हूँ तो मुझे यहाँ इनकम भी मिल रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है और मैं अपने परिवार को देखते हुए भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ और इस बिजनेस से मेरे पूरे फैमिली सपोर्ट करते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मैं अपने पूरे फैमिली का हेल्थ को भी सिक्योर कर रही हूँ। तो आइए आज मैं दिखाती हूँ कि कुछ प्रोडक्ट तो मैं यूज करती हूँ तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्या आप इसे मुझे सुन के तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, तो आप उस प्रोडक्ट को खुद ही देखिए और जानिए कि ये प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। पहला प्रोडक्ट मैं हेल्थ से कनेक्टेड है, गार्लिक फल। ये हमारे शरीर में कितने लोग गार्लिक खाते हैं कि गार्लिक के गुण को जानते हैं कि गार्लिक हमारे ब्लड के खून को पतला करता है, हार्ट को भी अच्छा रखता है। हर दिन लहसुन खाना चाहिए 4 कली, लेकिन बहुत लोग तो 4 कली लहसुन खा नहीं पाते हैं तो उनको बदबू आता है मुझसे, लेकिन हमारे गार्लिक फल में ऐसा है कि उसको लेते हैं तो आपको मुंह से बदबू नहीं आता है और इजीली आपके लिए सूट होता है। कितना लोग बोलते हैं कि गार्लिक मुझे सूट नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद है, उन लोगों को भी सूट होता है। किसी भी ऐसा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला हुआ है कि किसी को सूट न करे। शुगर हो, शुगर वाले लोग भी ले सकते हैं, हार्ट पेशेंट ले सकते हैं, बीपी का हो पेशेंट वो भी ले सकते हैं। अब मैं आपको इसका डेमो के थ्रू मैं दिखाती हूँ। जब हम कोई भी खाना वाना खाते हैं तो हमारे पेट में तेल का जमाव हो जाता है, इस तरह का ये जम गया, तो गार्लिक फल क्या करता है, गार्लिक फल जैसे ही मैं डालती हूँ तो ये उस तेल को पूरी तरह से तोड़ देता है, हमारे पेट में जमने नहीं देता है, उस तेल को तोड़ के वो उसको बाहर निकाल देता है। अब ये देखिए क्या कर, जो हमारे पेट में तेल जम गया था उसको ये तोड़ दिया और बबल्स के रूप में ये आ गया। ये देखिए इसमें जमा हुआ नहीं है, ये पूरा बबल्स बन गया, ये हमारे पेट में कुछ कोई भी चीज को जमने नहीं देता है, उसको क्लियर करके बाहर निकाल देता है, जिससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। दूसरा हमारे पास है डजर, हम घर में यूज करते हैं, हमारा घर में बच्चे रहते हैं तो ये दीवार पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं या कपड़ों में दाग लग जाता है तो वहां दाग छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको कुछ दाग लगा के कपड़े के ऊपर दिखाती हूँ, अपने हाथ के ऊपर। ये कैसे इजली
हर दाग को निकाल देता है, चाहे वो मार्कर का दाग हो या पेंसिल का दाग हो, और ये हमारे हाथों को नुकसान भी नहीं करता है। तो मैं इसकी थोड़ी सी बूंद लेती हूँ और इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये जिद्दी से जिद्दी हुई दाग को निकाल जाता है। आप होली में खेलते हैं कलर तो आपके स्किन पर कलर लग जाता है, उसको भी ये इजी से निकाल देता है। अब ये दाग सारा निकल गया मेरे हाथ पर, देखिए ये सारा दाग निकल गया और ये सारा कपड़ा पर आ गया। तो ये कपड़ा में से भी दाग निकाल देता है, जिसको मैं अभी धो के दिखाती हूँ आपके सामने ही। कोई भी दाग हो तो उसको निकालने में ये इजी है, हमारा दाग को इजीली निकाल देता है। अभी देखिए हमारे कपड़े पर कोई भी दाग नहीं है, ये इजी से निकल गया। तो हमारे कपड़े पर दाग हो या दीवार पर दाग हो, किसी चीज को ये इजीली निकालता है और हमारे घर को सुंदर बनाए रखता है। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा जर्मी बस्ट। अभी कोरोना टाइम में जर्मी बस्ट बहुत ही बेहतर है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो इन्फेक्शन का चांस ज्यादा रहता है, तो इसलिए हमारे पास जर्मी बस्ट होना ही चाहिए। आप कहीं घूमने गए वहां छिड़क दिए, या टॉयलेट गए कहीं बाहर जा रहे हैं टॉयलेट में गए तो वहां भी आप इसको छिड़क के यूज कर सकते हैं। कहीं आपके पास तो हमेशा बस में गए सफर कर रहे हैं, ऑटो में सफर कर रहे हैं, कहीं भी सफर कर रहे हैं, तो वहां आपको जर्मी बस्ट रखना ही चाहिए। तो इससे क्या क्या करता है, आपके वहां पर जो भी बैक्टीरिया होगा उसको ये किल कर देगा, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तीसरा चौथा हमारा आता है काजल। काजल हर लेडीज काजल लगाना पसंद करती है, लेकिन कितना को देखेंगे कि काजल लगाते ही वो आंखों में जलन टाइप का हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। अभी मैं यहाँ पर काजल लगाई हूँ और इसको मैं आपको पानी से धोकर बताती हूँ ये स्प्रेड हो रहा है कि नहीं। ये वाटर प्रूफ है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये चलता है, ज्यादा दिन तक चलता है, फैलता नहीं। मैं इसको पानी से भी धो देती हूँ तो भी ये नहीं फैल रहा है, ये वाटर प्रूफ है पूरा, दिख रहा है ये पूरा वाटर प्रूफ है, ये फैल नहीं रहा है हमारी स्किन पर। नहीं तो जैसे ही काजल लगाएंगे थोड़ा सा पानी धोएंगे हाथ के ऊपर तो पूरा काजल फैल जाता है, तो कितना चेहरा भद्दा लगने लगता है। तो हमारा उसी प्राइस में हमारा भी काजल है जो फैलता नहीं है और आपको खूबसूरती देता है, प्लस ये हमको एक इतना अच्छा इनकम दे रहा है जो बाजार में हमको कहीं नहीं दे रहा है। प्रोडक्ट तो हम बाजार से पहले भी ले रहे थे, लेकिन आज वही प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ तो ये मुझे हमको डिस्काउंट भी दे रहा है, और पच्चे पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी मैं अच्छा से यूज कर रही हूँ। कभी हेयर प्रोडक्ट मिल जाता है, कभी घर का प्रोडक्ट मिल जाता है मुझे, कभी ब्यूटी का प्रोडक्ट मिल जाता है, तो उसको देखकर मेरे फैमिली के लोग भी बहुत खुश होते हैं कि अच्छा आज इस बार ये मिला है तुमको, तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। सबसे बड़ा धमाका तो हमको मेरा 6 महीना पूरा हो चुका है और सबसे बड़ा धमाका ये हुआ है कि आज तक मुझे मार्केट कभी भी डिस्काउंट नहीं देती थी, कितना सालों से मैं ले रहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 6 महीना से ही मधुकेयर में जुड़ी हूँ और इस बार मुझे लॉयल्टी का इनकम जो मिला है बहुत बम्पर इनाम मिला है, 10,000 का कूपन मिला है। तो मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव में सभी लोग खुश हैं उसको देखकर। तो आप सोचिए कि बाजार अच्छा है या मोदी केयर अच्छा है, इसमें आप कितना अच्छा ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू मैम। आप कामनी मैम आगे करेंगी, ओवर टू कामनी मैम। कामनी मैम आप म्यूट हैं। थैंक यू रीना जी, आपने बहुत अच्छा बताया। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं कामनी द्विवेदी, सीनियर डायरेक्टर मोदी केयर इंडिया में टीम उड़ीसा से हूँ। जैसे कि हम सब बोलते हैं कि गोल हमको लिखना चाहिए, वाई रिटन गोल, गोल हमको क्यों लिखना चाहिए। गोल एक्चुअली हमको इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि जो लिखा हुआ आता है वो हमारे सामने हमेशा आता है बार बार। जो लिखते हैं तो हम विश्वास के साथ लिखते हैं, सोचा हुआ जब पेन पेपर और पोस्टर में दिखता है तो हम उसको यकीन में हमारे बदल जाता है, क्योंकि हमको वो चीज बार बार जब सामने दिखती है तो हम उसको सच में बदलने लगते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको सच साबित कर लें। 99% कामयाब जो लोग होते हैं वो किसी भी क्षेत्र के हों तो वो रिटन गोल की वजह से ही होते हैं, क्योंकि जब हम लिख देते हैं तो हम उसको चाहने लगते हैं और करने लगते हैं। गोल जब तक पेपर में नहीं आता
तो फैंटेसी, जब पेपर में आता है तो रियलिटी। जैसे जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जब देखते हैं तो वो सिर्फ फैंटेसी रहती, पर जब हम खरीद लेते हैं तो वो रियलिटी बन जाती है। तो इसलिए हमको हमारे गोल सेटिंग करके हमको लिखना चाहिए, जब हम लिखेंगे तो वो जरूर कंप्लीट होंगे। दूसरा हमारा टॉपिक आता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही आपके बिहेवियर, सक्सेस और थिंकिंग को बनाता है। पॉजिटिविटी इज द सोर्स ऑफ न्यू क्रिएशन। जब तक हम पॉजिटिव रहते हैं तो कुछ ना कुछ नया करने की हमारी इच्छा बनी रहती है, तो हमको पॉजिटिव रहने की हमेशा जरूरत रहती है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कभी आपको जो लोग ना कहते हैं तो वो भी हमको बुरा नहीं लगेगा, हम कोई फिक्र नहीं है क्योंकि हम पॉजिटिव हैं। ना कहा तो कहने दो, सब डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम उसको कैसे लेते हैं। अगर हम किसी क्रिएशन के बिजनेस में हैं, जहां हमें हर दिन किसी को जोड़ना है, उसे सक्सेस के रास्ते पे ले जाना है, एक्शन प्लान करना है, गोल सेट करवाना है, तो जरूरी है कि हमको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना पड़ेगा। निगेटिव सोचने से सक्सेस की ओर जाते हुए डोर भी बंद हो जाते हैं। होता है कई बार हमको ना बोलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं होना है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या करते हैं, अपने लिए अच्छा मांगते हैं पर किसी के लिए बुरा तो नहीं मांगते। और लाइफ में जरूरी तो नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव हो। जैसे कि अब सोच लीजिए किसी की डेथ होती है तो पॉजिटिव तो नहीं है, निगेटिव साइन ही है, पर जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। और लाइफ में जो भी कुछ घटता है अगर हम पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो हम उसको आसानी से मेंटेन कर पाते हैं। जितनी भी चुनौतियां लाइफ में आती हैं या हमारे बिजनेस में भी आए, पर हमको यही सोचना है कि जरूर ऊपर वाला कुछ ना कुछ हमसे अच्छा करवाने की सोच रहा है, जरूर कुछ अच्छा ही करवाएगा। बहुत लोगों ने, हम सब ने सुना है, जैसे कि अभी कोरोना है तो डॉक्टर भी बोलते हैं जो लोग पॉजिटिव माइंड के साथ रहते हैं तो वो जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। तो इसलिए लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। पॉजिटिव एक्टिव रहने से जिंदगी में हम जो चाहें वो पा सकते हैं। इस बिजनेस में भी हमें बहुत लोग हैं जो ना का सामना करते हैं, मतलब हर एक ही लगभग करते हैं। बिजनेस में क्यों कहें, लाइफ में भी हमें निगेटिविटी मिलती है, बहुत बार होता है कि अच्छे और बुरे विचार आते ही हैं, पर हम उन बुरे विचारों को, निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में हम अगर बदल पाए तो हम जरूर कामयाब होंगे। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, हमको पता है, वो है पॉजिटिव रहना। तो क्या हम नहीं रह सकते हैं? अगर कभी नुकसान, पॉजिटिविटी हमको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आज कोई नहीं कर रहा है तो वो परमानेंट नहीं है, हो सकता है उसने आज ना की हो तो कल वो हाँ करेगा। आप इसी विश्वास के साथ आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव जो एटीट्यूड है इज इक्वल सक्सेस। आप पॉजिटिव रहेंगे तो हजार भी ना होगा ना, आप उसको अपनी पॉजिटिविटी के साथ उस ना को, नेगेटिविटी को हाँ में बदल सकते हैं। हो सकता है एक ना एक दिन वही आदमी आपके पास आए और आपसे कुछ सीखे कि आप इतने पॉजिटिव हैं तो कैसे, और आपकी पॉजिटिविटी उसकी नेगेटिविटी को यश करा सकती है। आप यही सोच लीजिए, जैसे जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो बहुत सारी तकलीफें उसको आती हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के बारे में सोचकर हमेशा पॉजिटिव रहता है, अच्छे अच्छे ख्याल उसके मन में आते हैं। पर ऐसा क्या है, बिजनेस में भी तो हम बहुत सारी सक्सेस देखते हैं, फिर हम क्यों निगेटिव हो जाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम निगेटिव हो जाते हैं, तो शायद यही होगा कि हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। लाइफ में हमेशा निगेटिव हो ऐसा भी नहीं है और हमेशा हम पॉजिटिव रहे ऐसा भी नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना ही है, जो भी निगेटिविटी आती है हम उसको पॉजिटिविटी में बदल सके तो हम जरूर सफल होंगे और हम कामयाब होंगे। तो कामयाबी का राज ही यही है, जितने भी जो भी सफल होते हैं तो उन वो अपने
खुद के सकारात्मक ऊर्जा के साथ। पॉजिटिविटी से क्या होता है, गुड एटीट्यूड से हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी होती है, गुड माइंडसेट होता है, घर का अच्छा माहौल रहता है और कुछ करने की हमको ऊर्जा मिलती है। अगर एक बार कोई चीज बिगड़ जाता है और अगर हमारे सकारात्मक विचार हैं तो फिर हम तुरंत दूसरे टाइप से करना शुरू कर देते हैं। तो बस यही बोलेंगे, बिजनेस को करने के लिए आप जरूर अपना माइंड सबसे पहले पॉजिटिव रखिए तो जरूर सक्सेस होंगे, जैसे बाकी लोग आ रहे हैं वैसे हम भी होंगे हमारी टीम के साथ। अब हमारे इस सेशन को आगे जो बढ़ाएंगी वो साथी ताजी, ओवर टू साथी जी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ साथी ता, मैं बड़ौदा गुजरात में रहती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैंने मोदी केयर 9 महीने से ज्वाइन किया है। अभी मैं मोदी केयर में डायरेक्टर लेवल पर हूँ और मुझे बहुत आगे जाना है। तो फ्रेंड्स, मैं जो बिजनेस के साथ मैं जो कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ वो है मोदी केयर ऑफ इंडिया। ये मोदी केयर इंडिया का फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में एक मीथ है जो है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो प्रोडक्ट आता है वो कॉस्टली आता है। कॉस्टली इसलिए मीन्स लोग कॉस्टली ऐसे इस सोच के साथ आता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलता है उससे जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट वो महंगा मीन्स उसमें रेट ज्यादा होता है। लेकिन ये मीथ हमारे मोदी केयर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आप सही तरीके से देखोगे मीन्स मोदी केयर का चश्मा लगा के अगर आप देखोगे ना तो ये प्रोडक्ट जो MRP है उसका 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आइए उस बात को समझने के लिए मैंने 1800 रुपीज का एक बजटेड बास्केट बनाया, जो बास्केट में मैंने ऐड किया है ऐसा सब प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स हमारा डेली यूज में आता है और बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है। जैसे इसमें ये देख लीजिए, ये है मोदी केयर का टूथपेस्ट, ये 62 रुपीज में आता है। ये है सॉफ्ट वॉश का ऑरेंज सोप है, ये 26 रुपीज में आता है। ऐसा एलोवेरा लाइम ऐसा बहुत टाइप का सोप आता है। ये है पॉकेट डीओ, ये 68 रुपीज में मिलता है। मेरे पास ऐसा कॉफी है, ये कॉफी भी मार्केट से सस्ता में मिलता है। ऐसा बॉडी टैल्क है जो हमें 60 रुपीज में मिलता है। ऐसा मीन्स चाय पत्ती है, दो टाइप का चाय पत्ती, एक चाय पत्ती 99 रुपीज में मिलता है। ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट, शैम्पू का पाउच आता है जो 168 में पूरा एक पैकेट मिल जाता है। ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट्स है जो आपको ऐसा ही लगता होगा कि मार्केट से तो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, मार्केट से सस्ता है। और मोदी केयर का कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट्स है जो प्रोडक्ट का ड्यूअल यूज होता है, मीन्स उसको आप बहुत सारा कामों के लिए यूज कर सकते हो। जैसे देख लीजिए, ये है बियॉन्ड ब्लू, ये एक्चुअली टॉयलेट क्लीनर है। बट अभी तक आप लोग जो टॉयलेट क्लीनर यूज करते हो वो सिर्फ टॉयलेट क्लीनिंग के लिए ही काम में आता था, लेकिन ये टॉयलेट क्लीनर के साथ साथ ये आपका तांबे का बर्तन या फिर पीतल का बर्तन भी साफ करता है। और ये है माइटी इन वन, ये भी एक मल्टीपर्पज क्लीनर है। इसको किचन में जो ऑयल का दाग लग जाता है उसको साफ करने के लिए यूज कर सकते हो और एज ए सैनिटाइजर भी बहुत अच्छा होता है। ये है मोदी केयर का स्टेरिक्लीन फ्लोर क्लीनर, जो फ्लोर क्लीनर मार्केट से आप लोग लेकर आते थे वो सिर्फ फ्लोर ही क्लीनिंग करता है, लेकिन ये फ्लोर क्लीनर ये फ्लोर को तो साफ करता है, उसके साथ साथ आप बाहर से कपड़ा जो आप पहन के आते हो वो कपड़ा को स्टेरिलाइज करने के लिए या फिर कुछ पानी में आप कुछ ही बूंद डाल के इसको सैनिटाइजर भी ये इसका यूज होता है। और एक प्रोडक्ट जो अभी का सिचुएशन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, यह है वेल का अमृत शक्ति। जैसे अभी गले में कुछ खारस या फिर सर्दी जुखाम अभी कोरोना सिचुएशन में बहुत चल रहा है तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। और स्टीम में आप एक कैप्सूल डाल के इसको यूज कर सकते हो, एसिडिटी के लिए तो बहुत बढ़िया है और एलर्जिक प्रॉब्लम जिसको होता है वो प्रॉब्लम के लिए भी ये
सॉल्व करता है, प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट्स है हमारे पास, लेडीज के लिए तो बहुत सारा फेस वॉश, सनस्क्रीन, नाइट क्रीम, डे क्रीम, ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो आप लोगों ने देखा कि मोदी केयर में सारे प्रोडक्ट्स मिलता है, डेली यूज के सारे प्रोडक्ट्स मिलता है। तो सपोज ये एक सोप, ये सोप आपको 26 रुपीज में पड़ता है, लेकिन मोदी केयर में आप ज्वाइन करते हो तो ये ऑलमोस्ट हम कंसल्टेंट के लिए इसका 50% डिस्काउंट मीन 13 रुपीज में मिल जाता है। तो ये पॉसिबल है। और आप लोग अभी तक तो ये 26 रुपीज का सोप या फिर 62 रुपीज का कोई भी टूथपेस्ट ये तो आप लोग खरीदते ही होंगे, लेकिन क्या ये आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मीन्स एक सक्सेस का तरफ आप लोगों को कभी लेकर गया है या फिर लेकर जा सकता है मार्केट से? आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो, लेकिन ये मोदी केयर में पॉसिबल है, क्योंकि मोदी केयर में हर प्रोडक्ट एक अपॉर्चुनिटी के साथ वो अपॉर्चुनिटी में रैप होके आते हैं। जैसे सोच लीजिए ये सोप आपको एक कार दे सकता है, रेगुलर यूज करते हो तो ये आपको कार दे सकता है। या फिर जो मसाले, मोदी केयर में हर तरीके मसाले मिलता है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ऐसा बहुत सारा मसाला मिलता है। या फिर एडिबल ऑयल, जो राइस ब्रैन ऑयल, या फिर सरसों का मस्टर्ड ऑयल जो मिलता है, ऐसा ऑयल यूज करके, ऑयल जो जब आप खाना बनाते हो वो ऑयल या फिर मसाला वो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है। या फिर एक पेस्ट यूज करके आपका आप अपना जो नेक्स्ट जेनरेशन का फ्यूचर का इनकम मीन्स एक फ्यूचर इनकम को आप सिक्योर कर सकते हो। और ऐसा बहुत सारा सक्सेस, जैसे कोई भी डीओ लगा के आप जो डीओ आप यूज करते हो वो मोदी कार्ड का अगर आप करोगे तो वो आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप में लेकर जा सकता है। और ये सक्सेस सिर्फ मोदी केयर में संभव मीन्स पॉसिबल है, ये मोदी केयर में ही होता है, मार्केट में कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी आप मोदी केयर में ज्वाइन करते हो, मोदी केयर में ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। जब ज्वाइन करते हो तब पहले आपको 10-20% डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद एक फ्री गिफ्ट मिलता है, उसके बाद आता है 7-10% का कैशबैक आपका आता है, और एक लॉयल्टी जो बहुत ही अच्छा, 6 months आप कंटिन्यूअस खरीदते हो तो ऑलमोस्ट 7 months का ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जाता है, जो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये मोदी केयर में संभव है। और जैसे मैंने पहले बताया, मोदी केयर में सक्सेस का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ऐसे ही आप अगर इसको एज ए बिजनेस आप लेते हो, प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हो वो एज ए बिजनेस आप लेते हो, तो वो प्रोडक्ट्स को आप रीसेल भी कर सकते हो, उसमें भी आपका प्रॉफिट होगा। तो ऐसे एक बिजनेस को भी बहुत अच्छे से आप डेवलप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कोई भी काम, जैसे कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई भी काम जो जिसमें आप सक्सेस माना चाहते हो, उसमें कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी होता है। कंटिन्यूएशन के बिना कोई भी काम को सक्सेस का तरफ नहीं जा सकता। और ये कंटिन्यूएशन तब भी आता है जब हम लोग वो अंदर से चाहते हैं, और अंदर से हमारा ये जो चाहत होता है ना, इसके लिए सेल्फ टॉक इज मस्ट। तो आइए अभी सेल्फ टॉक के लिए हम लोग सुनील सर जी के पास चलते हैं। नाउ ओवर टू सुनील तिवारी जी। सुनील जी, अपने आपको अनम्यूट करिए। सुनील जी। हाँ 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 मैडम, हो गया, ओके। हाँ बोलिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। नहीं, पहले आपके बारे में बताइए, कौन है आप, क्या है सेल्फ टॉक, फिर बताइए। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, एक बार चालू करके बंद करिए। यस, अभी आ रहे। हाँ बिल्कुल। हाय, मैं सुनील कुमार तिवारी हूँ, और एक्चुअली आवाज नहीं है। अब बोल। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आपका आवाज आ रहा है, अब बोलिए। हाँ।
सुनील जी, रीना जी आप कर दीजिए। रीना जी, रीना जी आप अनम्यूट करिए अपने आपको। प्रतीक्षा कल कर नहीं पाई, प्रतीक्षा है क्या? प्रतीक्षा को बुला दीजिए, वो कल करा नहीं पाई, वो थी कल। सारी जागृति है, मैं करती हूँ। मैं हाँ करिए करिए, बस। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत सफल कामयाब हूँ। मैं बहुत सफल कामयाब हूँ। सफल और कामयाब हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं जो चाहूँ वो पाऊँ। मैं जो चाहूँ वो पाऊँ। मेरा मोदी किया बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा टीम मेंबर बहुत एनर्जेटिक एंटिक और फोकस हैं। मेरे टीम मेंबर जिनको भी हम प्लान प्रेजेंटेशन डेमो दिखाते हैं वो आसानी से जुड़ते जा रहे हैं। मेरी सफलता निश्चित है। मेरा वन टीम वन मिशन, वन मिशन कामयाबी की ओर है। मैं मन से मोदी केयर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू मोदी केयर, माय अपलाइन, माय टीम। क्या आपने देखा कि कितने अच्छे से आपने, आपके सामने जो भी आज आप लोगों को ये दिखाए हैं, जितने लोगों को आपने सामने देखा है, एक मिनट में सबको एक बार म्यूट ऑल कर देती हूँ। We have 3 minutes, so utilize the time. ठीक है, so मैं इतना ही बता सकती हूँ कि जो भी लोग आज हमारे साथ आए थे, उन सबको हम लोगों ने just a minute, सबको हम लोगों ने सुना। उसमें से पहले थे हमारे साथ रीना जी। रीना जी 6 महीने में अपने लॉयल्टी लेते लेते डायरेक्टरशिप मेंटेन कर लिया, गोवा ट्रिप अचीव कर लिया, कमाल की सक्सेस स्टोरी। उसके बाद आए कामिनी भाभी, सिंपल हाउसवाइफ, पूजा पाठ के ऊपर कुछ नहीं था लाइफ में, घर परिवार, माँ बनना, बच्चे को संभालना और भगवान को संभालना, यही उनका काम था। आज दुनिया संभालने लगी है, साथ साथ में खुद सीनियर डायरेक्टर बन गई है और बेटी के आईडी से वाइजैक ट्रिप क्वालिफाई किया है। थर्ड जो हमारे सामने साथी का भी आई थिंक 8 months हुआ है, एक लॉयल्टी केवल लिया है और ये एक ऐसा एक जन है जो गोवा ट्रिप क्वालिफाई किया है, डायरेक्टर क्वालिफाई किया है। और माय डियर फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा पीवी में डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं करते, ये सबसे बड़ी बात है। जितना हो सके उतना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम लेके आते हैं। सो एंड हमारे साथ सुनील जी थे, शायद नेटवर्क के कारण वो निकल गए हैं। अब सुनील जी भी बहुत अच्छे से, सबसे पहली बात है कि एक्स नेवी जिनके कोई भी कारण से, मर्चेंट नेवी ना आई थिंक, ये रेणु कुछ बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रही हूँ? यस ओके, हाँ मर्चेंट नेवी में थे, उनको पता चला कि कोई भी कारण से अपने जॉब से कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो वो आज हमारे साथ, उनका स्पीच इतना अच्छा नैरेटर है, प्रोडक्ट का उन्होंने जो जो वीडियो बना के डाले हैं सही मायने में सुनने जैसे हैं। तो ये सारे सक्सेस स्टोरी आपके घर में भी है। मैं एक चीज बताऊं,
हस्बैंड को वाइफ को ये बिजनेस में हेल्प करना चाहिए, वाइफ को हस्बैंड को, मतलब दोनों को हेल्प करना चाहिए। क्यों पता है? हर एक हस्बैंड वाइफ अपने अपने बर्थडे में या अपने अपने कोई भी एनिवर्सरी में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, पर वो जब तक है तब तक ये गिफ्ट आपके लिए लेके आते हैं। फैमिली के लिए उनका प्रॉपर गिफ्ट वही होगा अगर वो मोदी केयर करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जिस दिन वो नहीं है उनको सोचना जरूरी है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कि मैं नहीं हूं, मेरा रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम कहां से आएगा। अगर बीवी से करता है जो प्यार, तो मोदी केयर से कभी ना करें इनकार। क्योंकि अगर आपने अपने फैमिली को सेफ रखना है, पैसिव इनकम को जनरेट करना है और 2 साल लगातार पैसिव लिए बिजनेस को बिल्ड करना है, तो आपको आपके जिंदगी भर का जो टेंशन है कि कल क्या होगा बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। कल का चिंता छोड़ने के लिए आज मोदी जी आपको बिल्ड करिए, लोगों के साथ बिल्ड करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए और हैप्पी लाइफ लीड करिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।